और अब बड़ी खबर लखनऊ से। बकाया पैसे मांगने गए सिरफिरे ने हमला कर दिया। मालिक की बेटी को सिरफिरे ने चाकू मारकर के घायल कर दिया। रोकने की कोशिश कर रहे युवक को भी यहां पर घायल कर दिया गया सिरफिरे की तरफ से। तो ये खबर लखनऊ से सामने आई है, जहां पर बकाया पैसे मांगने गए सिरफिरे ने यहां पर हमला कर दिया युवक पर, और साथ ही मालिक की बेटी को भी सिरफिरे ने हमला करके घायल कर दिया। मालिक की बेटी पर भी हमला यहां पर किया गया, चाकू से हमला किया गया सिरफिरे की तरफ से। और जब दूसरे युवक की तरफ से रोकने की कोशिश की गई तो उस पर भी यहां हमला किया गया। पुलिस ने आरोपी दीपक कुमार को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। थाना ठाकुरगंज क्षेत्र के मुसाहिबगंज की ये पूरी वारदात है, जहां पर बकाए पैसे मांगने को लेकर देखा गया सिरफिरे ने हमला कर दिया। मालिक की बेटी ने जब पैसे मांगे तो सिरफिरे की तरफ से चाकू से वार यहां पर कर दिया गया, और जब बेटी को बचाने की कोशिश की गई दूसरे युवक की तरफ से तो युवक पर भी हमला सिरफिरे की तरफ से किया गया। दारू करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, लखनऊ से बड़ी खबर है। गोमती नदी में कूदा राहुल नाम का आ रहा युवक, गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जारी है। मौके से बाइक और एक मोबाइल बरामद किया गया है। नदी में कूदने के कारणों का फिलहाल अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया है। तो मौके से फिलहाल बाइक और एक मोबाइल बरामद हुआ है। शाहनगर रोड हजरतगंज लखनऊ का रहने वाला है युवक राहुल, जिसने नदी में छलांग लगा दी है। हालांकि नदी में कूदने का कारण क्या रहा यह फिलहाल साफ नहीं हो पाया है। गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश वहां पर की जा रही है। गोताखोर जो कि राहुल नाम के युवक की तलाश अब कर रहे हैं। गोमती नदी में राहुल आर्य ने छलांग लगा दी है, वहां कूद गया है। इसके पीछे की वजह क्या रही ये फिलहाल साफ नहीं है। और इस बीच कानपुर से खबर मिल रही है। कानपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रेलर और डंपर में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को हादसे की सूचना दी और मौके पर फायर ब्रिगेड भी पहुंची। आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन ये आग इतनी भयंकर लगी, विकराल रूप आग ने धारण कर लिया। ये तस्वीर आपके सामने कानपुर से आई है। ट्रेलर और डंपर के बीच जोरदार टक्कर, और टक्कर इतनी जोरदार ये रही कि भीषण आग यहाँ पर लग गई। वहां पर मौजूद आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन जिस तरीके से ये आग लगी और ये भीषण टक्कर यहाँ पर हुई, ये भयंकर आग यहाँ पर लगी और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। ऊंची ऊंची लपटे यहाँ पर देखिए और धुएं का गुबार नजर आ रहा है। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी, मौके पर सभी पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास किया गया। कानपुर के पंकी में शराब के ठेके के बाहर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। नशेड़ियों से तंग महिलाओं ने ठेके पर ताला जड़ दिया। रतनपुर की आवासीय कॉलोनी में शराब का ठेका संचालित हो रहा था। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने महिलाओं को आश्वासन देकर ठेका हटवाने का भरोसा दिलाया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।